ओह, तुम लोग सब आ गए हो? हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा मामा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो, एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। संजय सिंह मिलिट्री में नौकरी करते थे। युद्ध में शत्रुओं से आमने सामने लड़के मौत के मुंह से बहुत बार बच कर आए हैं। एक दिन वो अपने मामा के घर घूमने गए और सुबह सुबह अपने मामा के साथ घूमने निकले। मामा, यह घर किसका है? चौधरी जी का। कोई रहता नहीं है? नहीं। क्यों? सब कहते हैं इस घर में भूत रहता है। कितने लोग इस घर में भूत देखे हैं? हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज रात को भूत देखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सामान चाहिए। नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर उस भूतिया महल में तुझे नहीं जाने दूंगी। और लोहे के छोटे छोटे गेंद तो मेरे पास है ही। ले पकड़ अपना सामान। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ मामी। है माता रानी। अरे बाप रे, ये कहाँ से आया है? अरे सच में, यहाँ तो भूतों का डेरा है। तू कौन है? तू कौन? मैं भूतों का राजा हूँ। और मैं इंसानों का राजा हूँ। मेरा ताकत जानते हो? मैं तुझे उठाकर हिमालय तक देख सकता हूँ। और मेरा ताकत जानता है? मैं लोहे को चबाकर खा सकता हूँ। यह ले, तू खा के दिखा तो। कहाँ है? दो। लोहे चबा चबा कर तो मेरे दांत दर्द हो गए, लेकिन मैं तो इसे नहीं खा पाया। हाँ, ऐसा क्यों? तू पत्थर को दबाकर खून निकाल सकता है? नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। यह देखो। क्या हुआ? नहीं कर पाओगे? अच्छा, ये बताओ, तुम लोग इस थैले में प्रवेश कर सकते हो? हाँ, वो कर सकूंगा। ठीक है, करके दिखाओ जरा। ठीक है, देख तू। ए सब चलो। ए तू थैले का मुंह क्यों बंद कर दिया? खोल थैले का मुंह, खोल। बोल रहा हूँ ना, खोल थैले का मुंह। खोल दूंगा, अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं मजा चखाता हूँ, नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं, छोड़ दूंगा अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे तो। हाँ, हम लोग भाग जाएंगे, हम लोग वादा करते हैं। जाओ, भागो यहाँ से। अरे भागो जल्दी, भागो यहाँ से, भागो जल्दी, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। उसके बाद उस घर के आसपास भूतों का भटकना बंद हो गया। चौधरी परिवार भी उस घर में निवास करने लगे। सिर्फ यही नहीं, भूतों से पीछा छुड़ाने के फलस्वरूप संजय राउत को 1 लाख रुपए नगद इनाम दिए गए।